देखिए, बुध कुंडली में किसी भी स्थिति में हो, आपको अगर लाभ नहीं दे रहा है तो आपको उपाय करने चाहिए। अगर आपको बहुत उपाय करने के बाद भी आपको लगता है कि आपकी बुध की स्थिति ठीक नहीं हो रही है तो ये उपाय आप अवश्य करें। वैसे बुध अगर जिसका ठीक है उसकी वाणी पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, वाणी पर नियंत्रण रहता है और साथ में धन के लिए, पैसा कमाने के लिए बुध हमें बहुत ही अच्छी स्थिति में चाहिए होता है। तो सबसे पहले जिनका व्यापार नहीं चल रहा या हर काम में बाधा आ रही है और बार बार अगर किसी से बात करते हैं तो झगड़ा कर लेते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, उन लोगों के लिए, या जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर रहते हैं या पढ़ते हैं लेकिन फिर भी वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाते, उनके लिए बुध ठीक करना बहुत आवश्यक होता है। आप करें क्या, मंगलवार रात को 100 ग्राम साबुत मूंग की दाल तांबे के लोटे में भिगो करके रखें या तांबे के किसी भी पात्र में भिगो करके रखें, और बुधवार वाले दिन सुबह आपने लाल कपड़े के अंदर उसे बांध करके जा करके दुर्गा मंदिर में रख करके आना है। या आप उसे गाय को भी खिला सकते हैं, तब आपको लाल वस्त्र में बांधने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी पात्र में ले जा करके भी गाय को खिला सकते हैं, आपका बुध ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपको कुछ ही उपाय करने से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ बुध के लिए आप तांबे के सिक्के लगातार 43 दिन जल प्रवाह भी कर सकते हैं, मोरी वाले सिक्के, और गले में भी अपने तांबे का सिक्का पहन सकते हैं। और विशेषतः बुध की स्थिति ठीक करने के लिए अगर आप बिधारा की जड़, मित्रों बिधारा की जड़ आपको पंसारी से मिल जाएगी, आप 10 या 20 रुपए की मात्र आपको बिधारा की जड़ मिलेगी, लेकर के आए बुधवार वाले दिन उसे शुद्ध करके गंगा जल से स्नान करा करके या पंचामृत में स्नान करवा करके आपको तांबे के ताबीज के अंदर भर करके उसे लाल धागे में डाल के बुध के बीज मंत्र का 1000 बार जाप करके या 1080 बार यानी कि 10 माला आप जाप करके उसे गले में धारण करें, या अगर आप पुरुष कोई बांधना चाहता है तो आप राइट बाजू पर उसे बांध सकते हैं और महिलाएं उसे लेफ्ट बाजू पर बांध सकती हैं। तो इससे भी बुध बहुत अच्छी स्थिति में चला जाता है। और साथ में आप बुध के लिए बिधारा का चूर्ण बना के, उस जड़ी का चूर्ण बना करके लगातार 43 दिन तक अगर आप स्नान करते हैं तो इसे कहते हैं बुध का औषधीय स्नान। मित्रों इससे के स्नान करने से आपको पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में आपके अंदर आपकी वाणी पर नियंत्रण आ जाएगा, आपके धन में लाभ होना शुरू हो जाएगा, व्यापार पर जहां आप जाएंगे अगर आपके काम पहले 10% या 20% बनते थे तो सीधा ही आप उसको 70 से 80% तक उसकी रेटिंग चली जाएगी। उसके साथ साथ बुध ठीक करने के लिए आप पन्ना और हरे रंग का हकीक पत्थर भी धारण कर सकते हैं, और साथ में रात के समय जिन लोग, वैसे बुध जिनका खराब होता है उनके दांत भी खराब रहते हैं, दांतों से संबंधित तकलीफ भी रहती है, तो रात के और सोते समय अगर आप फिटकरी को कूट करके उसका चूर्ण बना करके रख लें और हर रोज रात को सोते समय थोड़ा सा मंजन के तौर पर दांतों पर करें, करने के बाद कुरला कर लें, तो ये उपाय अगर आप 43 दिन लगातार करते हैं और साथ में बिधारा के चूर्ण से अगर आप नहाते हैं तो मित्रों आपको ऐसे ऐसे लाभ मिलेंगे कि आप सोचेंगे कि जो लोग बहुत बड़े उपाय करवाते हैं उससे भी ज्यादा आपको ये लाभकारी सिद्ध होंगे। इसके साथ साथ बुधवार को स्टूडेंट्स जो हैं, छात्र अगर पढ़ाई में कमजोर है तो बिधारा की जड़ तो पहननी ही है, साथ में आप गायों को हरा चारा दें और हरा चारा अपने हाथ से हर रोज खिलाएं, बृहस्पतिवार को आप हरा चारा ना खिलाएं। इसके अलावा पूरा सप्ताह आप ये कार्य अपने बच्चों से करवाएं
आपको लाभ होगा। तो इस स्थिति के बाद अगर बुध आपका किसी नीचस्थ स्थिति में है या आपकी बुध की डिग्रीज कम है, उसके लिए भी कुछ विशेष उपाय होते हैं जो कि जर्नल उपाय से हट करके हैं। वो उपाय भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप हमसे संपर्क करके अपनी कुंडली पहले दिखा लें। और इसके साथ साथ वर्ष में एक बार किन्नरों को, अगर आप किन्नरों को हरे रंग की साड़ी या वस्त्र दक्षिणा सहित देते हैं या साथ में एक छोटा सा शंख भी देते हैं तो बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा और धन लाभ आपको अवश्य होगा। तो ये था विशेष उपाय बुध के लिए। धन्यवाद। जय माता दी।